नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। खबर सबसे पहले दुमका से। दुमका में सूबे के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है प्रतिस्पर्धाएं। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के 30वें स्थापना दिवस समारोह को रविवार को रांची से ऑनलाइन संबोधित करते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इसलिए हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने की जरूरत है। इसके लिए मिशन मोड में काम करना होगा, बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करना होगा ताकि राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो सके। कहा कि अमर शहीद सिद्धू कानू की धरती दुमका की संस्कृत विलक्षण और इसे शिक्षा के साथ बरकरार रखने की आवश्यकता भी है। बीसीसी बासुकीनाथ और एमडीसीसी मैच जीतकर पहुंचे अगले चक्र में। खबर दुमका के बासुकीनाथ से है। बासुकीनाथ नगर पंचायत के सरडीहा गांव स्थित खेल मैदान में चल रहे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सातवें मुकाबले में रविवार को बीसीसी बासुकीनाथ की टीम ने सुखोवारी टीम को 7 विकेट से हराकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है। अव्वल छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र के साथ मिला नगद पुरस्कार। दुमका शहर के दुधानी स्थित साई टेक अकादमी में रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बीसीसी की परीक्षा 2020 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि श्री रामकृष्ण आश्रम के स्वामी विश्वरूप महाराज व अकादमी के निदेशक मार्तंड मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। खबर गोड्डा से। कन्हारा पुल निर्माण कार्य मई तक होगा पूरा। गोड्डा जिला मुख्यालय से कन्हारा के बीच उच्च स्तरीय पुल पर निर्माण कार्य फिर से तेजी आ गई है। लंबे अंतराल तक निर्माण कार्य बंद रहने के बाद पुनः पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। पुल निर्माण से जुड़े एजेंसी के मुताबिक अप्रैल से मई तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पुल निर्माण से सटे दर्जन भर गांव के ग्रामीण में उत्साह देखा गया। मई के बाद दर्जनों गांव के ग्रामीणों को कजिया नदी के पानी उतरकर नहीं जाना पड़ेगा। इन दिनों ग्रामीणों को 5 से 6 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय आना पड़ता था। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने किया दक्षता परीक्षा का विरोध। जिले भर के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की दक्षता परीक्षा रविवार को DRDA में शुरू हुआ। SDO ऋतुराज की देखरेख में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन सुबह से दोपहर तक कंप्यूटर ऑपरेटरों ने दक्षता परीक्षा का विरोध किया। प्रशासन के सख्त रवैया को देखते हुए दोपहर बाद कंप्यूटर ऑपरेटरों ने दक्षता परीक्षा भाग लिया। रविवार को 100 कंप्यूटर ऑपरेटर की दक्षता परीक्षा ली जा रही थी। शेष परीक्षा आज DRDO कंप्यूटर में ली जाएगी। नूना द ट्रॉफी पर स्वामी विवेकानंद क्लब का कब्जा। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित नूना द क्रिकेट ट्रॉफी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में स्वामी विवेकानंद क्रिकेट क्लब ने ऋषि इलेवन को 66 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। खबर पाकुड़ से। बालू की अवैध ढुलाई पर लगाया जाए रोक। अवैध तरीके से बालू परिवहन पर अंकुश लगाए BGR कंपनी में कोयला परिवहन के दौरान हो रही कोयले की चोरी पर रोक लगानी चाहिए। यह बातें रविवार को पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने अपने कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में कही। SP ने दिसंबर माह में विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना और घटना आदि की समीक्षा की। लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का पुराना कुर्की जब्ती निष्पादन करने पुराने वारंटियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। कहा कि कोताही बरतने वाले पुलिस पर कर्मियों पर कार्रवाई होगी। वर्ड फ्लू की निगरानी करेगी रैपिड रेस्पॉन्स टीम। वर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन स्वास्थ्य व पशुपालन विभाग सतर्क है। वर्ड फ्लू से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। जिला व प्रखंड स्तर पर रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। टीम में शामिल वरीय प्रभारी चिकित्सक व सहायक इसकी निगरानी करेंगे। वर्ड फ्लू की सूचना मिलते ही जिला स्तरीय टीम तुरंत रवाना होगी। उपायुक्त सिविल सर्जन व जिला पशुपालन पदाधिकारी ने टीम को अलर्ट करने का निर्देश दिया। पशुपालन विभाग के अनुसार अभी तक कहीं से भी कोई पक्षियों की मरने की सूचना नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायक व मंत्री आवास घेराव टला। आरा शिक्षकों ने अस्थायीकरण व वेतमान की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक व मंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। एकीकृत पारा शिक्षक संघ ने गोलखपुर आम बागान में रविवार को बैठक कर इसकी जानकारी दी। जिला अध्यक्ष चित्रंजन
भंडारी ने बताया कि राज्य कमेटी के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया। हेमंत सोरेन ने चुनाव पूर्व पारा शिक्षक की नियमावली कैबिनेट में पारित कराने का वादा किया था। याद करो और निभाओ नारा के साथ 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों का आवास घेराव का धरना होगा। खबर देवघर से, लक्ष्य को भेदने देवघर की धरती पर उतरेंगे राज्य स्तरीय निशानेबाज। देवघर कॉलेज मैदान में 21 से 23 जनवरी तक 11वीं झारखंड राज्य राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान 400 खिलाड़ियों भाग लेंगे की संभावना है। इसमें निशानेबाजी में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके 250 खिलाड़ी व 150 नेशनल लेवल पर अपनी पहचान स्थापित करने वाले लक्ष्य को भेदने बाबा नगरी पहुंचेंगे। वहीं कई ऐसे खिलाड़ी भी देवघर पहुंचने का अनुमान है जिन्होंने अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बना ली है। कोरोना जागरूकता को लेकर महिलाओं ने निकाली रैली। कोरोना को हराने के लिए पहली बार नारी सशक्तिकरण ने समाज में एक जबरदस्त संदेश देने की कोशिश की। कार रैली निकाल कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और बताया कि सभी कोरोना गया नहीं है, अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। इन रॉकविल क्लब ऑफ देवघर के द्वारा रविवार को 57वां इंटरनेशनल इनर व्हील दिवस पर अध्यक्ष इंजीनियर अंजू बैंकर, सचिव रश्मि रंजन झा के नेतृत्व और ISO अर्चना भगत के संचालन में वुमेन्स कार रैली का आयोजन किया गया। बाबा नगरी के कांग्रेसी निकले भुक्कर, नाश्ते के लिए कृषि मंत्री के कार्यक्रम में एमओ को बनाया बंधक। सोना राय ठाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम था। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रविवार शाम इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मंत्री वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद नाश्ते का पैकेट लेने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता स्वास्थ्य कर्मियों से उलझ गए। इसके बाद सारवा के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह पहुंचे, उनसे बकझक करने लगे, फिर उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उनके साथ धक्का मुक्की की। बीच बचाव के बाद तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो कमरे से बाहर निकले। खबर जामताड़ा से, जामताड़ा के साइबर ठगों पर अब अमेरिका करेगा रिसर्च। SP को मिली है आधिकारिक सूचना। अनपढ़ आदमी IT के इस्तेमाल में महारत हासिल कर लाखों की कमाई करने लगे तो सुनने में दिलचस्प लगता है, लेकिन दिलचस्प तब और बढ़ जाती है जब कमाई का जरिया साइबर अपराध के रूप में सामने आता है। और वैसे लोगों पर रिसर्च करने विश्व का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला देश USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका दिलचस्पी दिखा रहा है। 17 को जामताड़ा विधायक और 24 को विधानसभा स्पीकर का आवास घेरेंगे पारा शिक्षक। गांधी मैदान में पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष नीलामर मंडल ने की। बैठक में सर्वप्रथम नाला प्रखंड के पारा शिक्षक सामंत बोस के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला अध्यक्ष नीलामर मंडल ने कहा, पारा शिक्षकों से हेमंत सरकार ने किए गए वादे पूरे नहीं किए। इसके चलते 17 को जामताड़ा विधायक और 24 को विधानसभा स्पीकर का आवास घेराव करेंगे। खबर साहिबगंज से, प्राकृतिक से प्रेम करना सिखाता है सोराय। सांसद विजय हाजदा ने कहा कि सोराय पर्व हमें पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ प्राकृतिक से प्रेम संबंध बनाने की सीख देता है। यह पर्व भाई बहन के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। सांसद बढ़रवा BSK कॉलेज परिसर में रविवार को आयोजित 3 दिवसीय सोराय पर्व के दूसरे दिन डाका खुटा और जाले समुदाय को संबोधित कर रहे थे। न्यूज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।